बताएं कि कांग्रेस में आत्मविश्वास इतना है कि उनके कोई भी राष्ट्रीय स्तर के या स्टार प्रचारक राजस्थान में नहीं आ रहे, बीजेपी में ऐसी कौन सी घबराहट है कि एक एक दिन में आठ आठ स्टार प्रचारक पांच पांच सभाएं कर रहे हैं? उनके पास स्टार है ना प्रचारक है, एक ही है उनके पास, उसको कहीं ले जाओ। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूजन में है, सत्ता के लिए बेकरार है। और ये सचिन जी हो चाहे गहलोत जी हो, सूतना कपास दुलाहों में लठम लठा मची हुई है। बिना दूल्हे की बारात कांग्रेस का कांग्रेस निकाल रही है। मित्रों आपका स्वागत है। कल से मैं राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहा हूं और कल से आज तक पांच सभाओं में मैं गया हूं। सभा में जो उमड़ती हुई भीड़ और जनता के बीच में उत्साह देख रहा हूं, मैं पूरे विश्वास के साथ ही कह सकता हूं कि राजस्थान में यहाँ की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। राहुल गांधी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता योगी जी आए या कोई भी आए, राम मंदिर हनुमान जी, ये वो भी तो इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल अलग संदर्भ में उन्होंने बात कही थी, उसको अलग तरीके से लिया गया। हनुमान जी सबके हैं, भारत का जो मूल है एक ही चेतना सब में है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। और भगवान को ऐसे नहीं बांटा जा सकता, योगी जी ने ये कहा भी नहीं है, उनका मंतव्य भी ये नहीं था। चौहान साहब, राजस्थान में भी किसानों से भाजपा गिरी हुई है, तो एमपी में भी किसानों ने काफी मुद्दे उठाए हैं, किसानों की मांग को लेकर उचित मूल्य के दाम। मध्य प्रदेश के किसान प्रसन्न है, किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत अगर किसी चीज के दाम कम हुए तो सरकार ने अतिरिक्त राशि उनके खाते में डाल के उसकी भरपाई की है। मध्य प्रदेश में किसानों में कोई नाराजगी होने का सवाल ही नहीं। मुख्यमंत्री का फसल बीमा योजना लेकर काफी कंफ्यूजन है, शिकायत केंद्र तक का पता नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसकी किसान कहाँ जाके शिकायत करे? मध्य प्रदेश में इसी साल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 5,200 करोड़ रुपए किसानों के खाते में गए। झालावाड़ में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गृह क्षेत्र है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा को वहाँ टालने के पीछे क्या वजह मानते हैं? गोवा के इलाके में कैसा नहीं है? ये तो ज्योतिरादित्य जी से पूछे, मुझसे क्या पूछे? मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं ज्योतिरादित्य। लेकिन मेरे संबंध उनसे बहुत अच्छे हैं भाई, आजकल मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं जब देख लीजिए। लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई इस तरह की चीज होगी, अपने अपने विचारों के लिए काम कर रहे हैं। एक बाबा साहब स्वास्थ्य बीमा योजना का आपने जिक्र किया, इससे अगर हमारे हरोती में सर्वाधिक प्रताड़ित है तो मध्य प्रदेश के लोग, वो इसलिए है कि पहले उनको यहाँ पे फ्री इलाज मिलता था, लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के लोगों को 700 रुपए प्रतिदिन सबसे सड़े हुए बेड का देना पड़ता है। और मेरे मित्रों यहाँ पे आते हैं, मेरे मित्रों मध्य प्रदेश में राज्य बीमारी सहायता कोष और मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान दो ऐसी योजनाएं हैं जिससे कोई भी गरीब निम्न मध्यम वर्गीय यहाँ तक के किसान भी इलाज से वंचित नहीं रहता। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाहर भी जहाँ इलाज की जरूरत पड़ती है उसको इलाज के लिए पैसे दिए जाते हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जिससे आप यहाँ मतलब राजस्थान के जिले पास पड़ते हैं, बड़े हॉस्पिटल पास पड़ते हैं, इसलिए वो यहाँ आते हैं, तो उनको परेशानी ज्यादा होती है, उनकी परेशानी दूर कर देंगे। वैसे हमने मध्य प्रदेश के बाहर भी जरूरत पड़ती तो हम पैसे देते हैं। चौहान साहब एक बात बताएं कि कांग्रेस में आत्मविश्वास इतना है कि उनके कोई भी राष्ट्रीय स्तर के या स्टार प्रचारक राजस्थान में नहीं आ रहे, बीजेपी में ऐसी कौन सी घबराहट है कि एक एक दिन में आठ आठ स्टार प्रचारक पांच पांच सभाएं कर रहे हैं? उनके पास स्टार है ना प्रचारक है, एक ही है उनके पास, उसको कहीं ले जाओ। उनमें कांग्रेस ऐसा वट वृक्ष है जिसके नीचे कोई नेता पनप नहीं दिया,
अब ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें एक नहीं अनेकों नेता है, इसलिए आ रहे हैं, इसलिए स्टार हैं, उनके पास है कौन? एक एक खानदान की पार्टी है, एक खानदान की गुलाम पार्टी है कांग्रेस, जिसने बाकी किसी को पनपने ही नहीं दिया। अगर थोड़ा बहुत कोई ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो काट के नीचे कर दिया उसे। पायलट का आरोप है कि 24 दिन से सीएम योगी उत्तर प्रदेश को छोड़ के राजस्थान में आए हुए हैं, इनको कहना जनता की कोई सुध नहीं ली उनको। अरे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री इतने इफेक्टिव है कि दूसरी जगह काम करते करते अपने यहाँ का काम भी पूरा करते हैं और बाकी मंत्रियों की टीम काम करती है, और उनको तो और कुछ नहीं मिलता तो योगी जी यहाँ क्यों आ गए, इसी पे सवाल उठाते हैं। मैं से एमपी में भी वोटिंग हुई है, उससे क्या बीजेपी घबराहट महसूस हो रही है? घबराहट में क्या है, को आत्मविश्वास से भरे हैं, प्रसन्न है, राजस्थान में प्रचार कर रहे हैं, अभी तेलंगाना जाएंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो सरकार के पक्ष में वोट है, कांग्रेस ये जो राजस्थान है यहाँ पे एंटी कन्वेंशन चल रहा है, सरकार से नाराजगी, फिर किस आधार पे अपन सत्ता में आएंगे? मुझे तो प्रो इनकम्बेंसी सभाओं में लगी, विकास से लोग प्रभावित है, जन कल्याण की योजनाओं से प्रभावित है। चुनाव के पहले कांग्रेस ये जरूर कहती है, लेकिन चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जीतती। एक मेरा और सवाल है, चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में जो टीचर्स हैं उनके संविलियन के फॉर्म्स लिए गए, लगातार उनकी 10वीं की 12वीं की सारी मार्कशीट ली गई और ये कह दिया गया कि अब सबको एक वर्ग में ही कर दिया जाएगा, लेकिन कोई नहीं हुआ। अरे मेरे मित्र, किया नहीं गया, कांग्रेस ने ऐसी दुर्गति करी थी, गुरुजी और शिक्षा कर्मी बना के 500 रुपये तनख्वाह देती थी। हमने कैडर खत्म कर दिया जो गुरुजी का था, अध्यापक बनाए और अध्यापक से बनाए शिक्षक, तनख्वाह 41,000 से लेकर 60,000 रुपया महीना तक है, जाके देख लीजिए। शिवराज जी, आप तो यहाँ पर फॉर्म्स वगैरह लिए थे? अरे मेरे मित्र आके देख लेना, मास्टरों से शिक्षकों से पूछ लो, सर्वे तो ये कहते ही नहीं, संविलियन लगातार हो रहा है। शिवराज जी, सर्वे रिपोर्ट में अभी तक कहीं पर भी बीजेपी को लीड करता हुआ नहीं दिखाया गया, इन सर्वे रिपोर्ट्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं तीनों स्टेट? हमसे बड़ा सर्वेयर कौन हो सकता है जो दिनों रात जनता में, वो तो सैंपल सर्वे करते हैं, हम तो जनता ही में घूमते लगातार, इतने साल से राजनीति में आंखों की भाषा पढ़ लेते हैं, और हमारा सर्वे ये कहता है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। शिवराज जी, आपने तो कोटा में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, चुनाव के दौर में आ पाए, पर हमारी मुख्यमंत्री साहिबा 5 साल में एक बार भी पत्रकारों से कोटा में रूबरू नहीं हुई। नहीं, पत्रकारों से रूबरू होती होगी, नहीं यहाँ नहीं हुई। अब मैं भी कई शहरों में मध्य प्रदेश में नहीं हो पाया। उज्ज्वला जो योजना है इसका फायदा नहीं मिल पा रहा, जो महंगाई का दौर बढ़ा है, गैस के दाम 950 के हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? वो भी अभी कम किए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में आप दोनों जगह घूमे हैं, तो राजस्थान में क्या आप देखते हैं मध्य प्रदेश की अपेक्षा? दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, कुछ योजना राजस्थान की ऐसी है जिनका अनुसरण देश करता है, कुछ मध्य प्रदेश की ऐसी है कि जिसका अनुसरण बाकी प्रदेश करते हैं, जो अच्छा है वो हम एक दूसरे से सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ जल स्वावलंबन का काम वास्तव में बहुत बेहतर हुआ है, जिससे सीखना चाहिए बाकी राज्यों को। आपके यहाँ पे कमलनाथ जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो कहते थे कि मुझे तो मुसलमानों को वोट चाहिए, अब जाति की राजनीति का आरोप कांग्रेस बीजेपी के ऊपर लगा। नहीं, हमने तो कोई जाति की बात की नहीं, हमारे तो सब है, लेकिन कमलनाथ जी ने जो घटिया राजनीति की है, एक समुदाय को इकट्ठा करना और कमरे में ये कहना खबरदार वोट दे देना नहीं तो मारे जाओगे, अब ये इस तरह की राजनीति किसी पंथ के आधार पर, मजहब के आधार पर कदापि उचित नहीं है। कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है। आपकी पार्टी 36 लोगों को साथ लेके चलती है, आपने यूपी में एक भी मुस्लिम आदमी को टिकट नहीं दिया, राजस्थान? अरे एमपी में दिया मेरे भाई, ऐसा देखा करो यार। देखिए, हम साफ ये कहते हैं कि टिकट किसी जाति के आधार पर नहीं देते, टिकट देने के आधार अनेकों अलग अलग होते हैं। राजस्थान में भी हमारे यूनिस जी को दिया है, यूनिस भाई को टिकट दिया है, जहाँ कार्यकर्ता मिलते हैं वहाँ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक एसपी एसटी एक्ट पे एक सवाल है सर, आप लोग एसपी एसटी एक्ट लाए केंद्र सरकार ने, कांग्रेस विकास को मुद्दा नहीं बना रही, कांग्रेस इधर उधर की बात कर रही है। श्रीमान राहुल गांधी जी आजकल हिंदुत्व का मर्म समझाने में लगे हैं, जातियों की बात हो रही है, किसकी जाति क्या है, चुनाव में जाति मुद्दा नहीं है। इस तरह के मुद्दे विकास से ध्यान भटकाते हैं, और अति तो तब हो जाती है जब भारत माता की जय का नारा अगर कांग्रेस के मंच पर कहीं लगता है
तो रोक के सोनिया गांधी जी जिंदाबाद के नारे लगवाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो गौरव संकल्प पत्र अपना प्रस्तुत किया है उसमें राजस्थान के 5 साल के विकास और जन कल्याण के रोड मैप को रेखांकित किया है। हमारे पुराने जो वचन थे उसको भी 95% वसुंधरा जी के नेतृत्व में पूरा किया गया है और एक विकसित और समृद्ध राजस्थान के निर्माण के लिए 5 साल का रोड मैप हमने बनाया है। कांग्रेस केवल मुंगेरी लाल के सपने दिखाने की कोशिश कर रही है। राहुल जी मध्यप्रदेश आए थे तो भाभी उन्होंने 10 दिन में पूरे कर्ज की माफी की बात करी। अब वो गए अलग अलग जगह, उनका यहाँ मोबाइल की मशीन लगा देंगे, फैक्ट्री लगा देंगे, यहाँ फूड प्रोसेसिंग की यूनिट खोल देंगे। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूँ, अमेठी उनका परंपरागत क्षेत्र है, वर्षों से वो और उनके परिवार के लोग वहां चुन के आते हैं, कितनी जगह मोबाइल की फैक्ट्री लगी, कितनी जगह फूड प्रोसेसिंग की यूनिट खड़ी हुई। बदहाली की हालत में उन्होंने उत्तर प्रदेश को भी छोड़ा था। आज तो राहुल जी से कोई कहे के चंदा मामा तोड़ के ला दो आसमान से तो कहेंगे कि नहीं मैं 10 दिन के अंदर ला दूंगा चुनाव के बाद। ऐसे ऊट पटांग वादे मध्य प्रदेश में भी किए गए, लेकिन तकलीफ की बात यह है कि वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं विशेषकर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, मैं जब श्रीमान मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे मैं अमेरिका गया था तो मुझसे सवाल पूछा गया था उस समय कि क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है। मैंने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकते, वो कांग्रेस के नहीं भारत के प्रधानमंत्री है, वो हमारा गौरव है। लेकिन विदेशों में भी जाके मैंने गौरव इसलिए कि कम से कम देश के बाहर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी नहीं होनी चाहिए। सरकार की आलोचना करना और इस नीचे स्तर पर उतर के करना कि गली का नेता भी नहीं करता, जिस ढंग के शब्द प्रधानमंत्री जी के लिए इस्तेमाल वो करते हैं। मध्य प्रदेश में उन्होंने मुझ पर एक आरोप लगाया कि पनामा लिंक में बेटे का नाम है, बाद में सबूत मांगे तो कहने लगे नहीं मैं कंफ्यूज हो गया था। सचमुच में कंफ्यूज है राहुल जी, उनको सूझ ही नहीं पड़ रहा कि क्या करना चाहिए, और इस कंफ्यूजन में उन्होंने अपना नेता भी तय नहीं किया है। ना छत्तीसगढ़ में उनका नेता तय है, ना मध्य प्रदेश में उनका नेता तय है, ना राजस्थान में उनका नेता तय है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेतृत्व तय किया है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूजन में है। सत्ता के लिए बेकरार है, और ये सचिन जी हो चाहे गहलोत जी हो, सूतना कपास दुलाहों में लठम लठा मची हुई है। बिना दूल्हे की बारात कांग्रेस निकाल रही है। जो बातें भी वो कह रहे हैं उसको पूरा करने का कोई निर्धारित और निश्चित रोड मैप नहीं है। जहां तक हिंदुत्व की बात करते हैं तो हिंदुत्व की तो एक ही परिभाषा है, सबका साथ सबका विकास, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मित्रों, ऐसी कंफ्यूज्ड कांग्रेस ना तो देश का भला कर सकती, ना प्रदेश का भला कर सकती। तेलंगाना में अगर अपना मैनिफेस्टो वो प्रस्तुत करते हैं तो उसमें भी अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में उनके अध्यक्ष कहते हैं मेरे अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों से कि 90% वोट नहीं दिए तो कांग्रेस हार जाएगी और
फिर परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम किसी मजहब और पंथ के आधार पर बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है, कोई किसी पंथ का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, सबकी भलाई, सबका विकास और सबका कल्याण, ये हमारा मूल मंत्र है। सबको साथ में चलना है और सबके कल्याण के काम करना है। मैं इतना विश्वास से कहता हूं कि माननीय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, देश का मान सम्मान और स्वाभिमान और शान पूरी दुनिया में मोदी जी ने बढ़ाई है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक समर्थ भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और मोदी जी और वसुंधरा जी दोनों मिलकर राजस्थान के विकास की गति को और कई गुना आगे बढ़ाएंगे। और राजस्थान की जनता भी ये समझ रही है और मेरा पूरा विश्वास है किसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से राजस्थान में भी चुनाव जीतेगी। मुझे तो इतना ही कहना था, बाकी आप। आपने आरोप लगाया है कि मोहन जी